अरे बाप रे, किलो किलो गंदगी निकलेगी इस वजह से। तो ये सीट्स वगैरह निकाल देंगे, अगर और भी निकालने की जरूरत पड़ी तो निकाल ही देंगे, निकाल के वापस बिठा देंगे। कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, पर फिर भी ये अभी तक की सबसे खराब गाड़ी नहीं है जो मैंने देखी है। हम पिंपरी चिंचवड़ साइड गए थे, वहाँ पे एक गाड़ी के अंदर पूरा फंगस लगा हुआ था, उसका कभी वीडियो नहीं बना पाया, पर वो था इंटीरियर, अंदर ना मशरूम उगे हुए थे गाड़ी के अंदर। इंटीरियर क्लीनिंग और वॉशिंग रहेगा, कर लेंगे, कोई नहीं, टाइम लगेगा इसमें, हो जाएगा साफ। हमने अभी जस्ट ये रिसीव किया है टाटा ज़ेस्ट, तो इसका हम इंटीरियर क्लीनिंग करने वाले हैं और गाड़ी को अच्छे से वॉश करेंगे। बाहर की तरफ भी रस्पॉट्स है, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। इंटीरियर बहुत गंदा हो चुका है, जितना मुझे समझ में आ रहा है ग्लास टूट गया था, और जो बारिश और धूल मिट्टी और सब है वो गाड़ी के इंटीरियर में जाके पूरा इंटीरियर खराब कर दिया है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूजुअली जब किसी भी कार का इंटीरियर क्लीनिंग किया जाता है तो सीट्स खोलने की कोई जरूरत नहीं होती, बट ये केस ऑब्वियसली अलग है। इंटीरियर की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि सीट्स निकालना जरूरी था ताकि हम कार्पेट एरिया को अच्छे से क्लीन कर सके। सीट्स खोलने के बाद हमने रियलाइज किया कि इस कार में मेजर एंट इन्फेस्टेशन इश्यूज हैं। पूरे फ्लोर एरिया पे चींटियां भरी हुई थी, तो हमारे लिए ये भी एक चैलेंज था कि उन्हें भी हमें रिमूव करना था। सीट्स रिमूव करने के बाद हमने कार्पेट रिमूव करना शुरू किया, क्योंकि ऐसे कार्पेट को हम रिमूव करके ही ठीक ढंग से क्लीन कर सकते हैं। अलग ही नेटवर्क चल रहा है भाई इधर, एंट रिपेलेंट करना पड़ेगा इसको पूरा स्प्रे करके, सारा अच्छे से क्लीन करते हैं यार, मजेदार प्रोजेक्ट है ना। चींटियों का प्रॉब्लम ना गाड़ी में हमेशा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। जब ऐसा पूरा नेस्ट अंदर बन जाता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है एंट रिपेलेंट। तो हमको पूरा स्प्रे मारना पड़ेगा इंटरनल सेक्शन में ताकि सारी चींटियां खत्म हो जाए, उसके बाद पूरा क्लीनिंग का काम करना पड़ेगा। अब जितना गंदा ये कारपेट था ये एक बार में क्लीन नहीं किया जा सकता था, तो हमने इसे मल्टीपल बार क्लीन किया है और उसके बाद 2 दिन धूप में रखा सूखने के लिए ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए। एक बार जब कार्पेट क्लीन हो गया तो हमने लिए सीट्स क्लीनिंग के लिए, और क्योंकि ये फैब्रिक सीट्स थे तो ये अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। लेदर सीट्स को आराम से क्लीन किया जा सकता है क्योंकि वो पानी एंड केमिकल्स अब्सॉर्ब नहीं करते, बट फैब्रिक सीट्स लिक्विड अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान रख के काम करना पड़ता है। इन्हें अच्छे तरीके से ड्राई करना पड़ता है वरना बाद में ये स्मेल करते हैं।
डोर पैड एंड डैशबोर्ड क्लीन करना इतना चैलेंजिंग नहीं रहता क्योंकि यहाँ प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है। बस ऐसे केसेस में जहाँ गाड़ियाँ इतनी ज्यादा गंदी होती हैं, हमें मल्टीपल टाइम्स क्लीनिंग करनी पड़ती है। इंटीरियर चाहे ब्लैक हो या बेज हो, गंदा दोनों ही होते हैं। फर्क ये रहता है कि ब्लैक कलर में गंदगी इतनी दिख के नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा नहीं होता। इसलिए हमारे प्रोफेशनल ओपिनियन में कार का इंटीरियर साल में एक बार एटलीस्ट क्लीन कराने लेना चाहिए, वो भी प्रोफेशनली, वरना गंदगी और जर्म्स की वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बाकी सब आइटम्स तो अच्छे से क्लीन हो गए, तो अब बचा है फ्लोरबोर्ड एरिया, तो हमने इसको भी क्लीन करने का काम शुरू कर दिया है। क्लीनिंग का काम अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इस कार में एंट्स का इशू भी रिजॉल्व कर दिया है और सभी पैनल्स को अच्छे तरीके से फिनिश भी कर दिया है। कार्पेट भी हम पूरा सुखा चुके हैं और इसके सीट्स भी। अब बारी आती है कार को वापस रीअसेंबल करने की, और ये काम पूरा करके हम करेंगे इस गाड़ी को अच्छे से वॉश।
लास्ट में डाली हमने कार में ओजोन एयर प्यूरिफायर मशीन। इस मशीन का काम पर्टिकुलरली इंटीरियर से ओडर एंड जर्म्स खत्म करने का रहता है। ये सब काम खत्म करने के बाद जब मैंने हमारे काम को इंस्पेक्ट किया तब मुझे एक छोटा सा इशू इसमें अनरिजॉल्व लगा। वैसे तो ये हमारे स्कोप में नहीं आता है बट क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को सरपास करें तो मैंने सोचा ये इशू भी हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। इसका इंटीरियर पूरा इतना बढ़िया क्लीन किया, दरवाजों पे उसके कलर लगा हुआ है, आगे के डोर का मैंने निकाला, मैं खुश हो गया कि सारा कलर निकल गया। देखा तो पीछे के डोर पे भी है। पहले किसी पेंटर ने बॉडी पेंट की होगी यहाँ पे तो सारा कलर इंटीरियर में चढ़ा दिया और वो खाली इतना ही प्रेशर मारना है ब्लेड वहां पे, ज्यादा ऐसे को डीप स्क्रैच ना छोड़े। ये देखना कैसे था कैसा हो गया। वेलकम टू डिटेलिंग वर्ल्ड। तो मैं हल्के हल्के क्या कर रहा हूँ, ऊपर का पेंट खाली छिल रहा हूँ। ये देख जितना कर सकता हूँ उतना तो कर देते ना। और प्रॉब्लम यह है कि ब्लेड के अलावा और किसी चीज से निकलेंगे नहीं। थिनर यूज किया तो निकल जाएगा, ये प्लास्टिक को पूरा व्हाइट कर देगा परमानेंटली। इसलिए एकदम हल्का हल्का छोटा छोटा खाली, जैसे पेंसिल से वो करते हैं ना हम शेडिंग टाइप का, बट टिप से खाली हल्का हल्का कलर को ब्रेक कर रहा हूँ। और गाड़ी में इतनी मेहनत करी दी है, थोड़ी सी और कर देते हैं। देख कितना बेटर दिख रहा है अभी, कैसे पूरे दाने 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 दिख रहे थे सब जगह पर। आपने देखा होगा हमने काफी डिटेल में इस कार को क्लीन किया है एंड आई थिंक ऐसे ही जॉब्स रहते हैं जहां पर हम अपना टैलेंट अच्छे से आप सभी को दिखा पाते हैं और ऐसे जॉब्स करने में हमें मजा भी बहुत आता है। तो अगर आपकी कार भी गंदी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि हम उसे वापस से शोरूम जैसा बनाएं तो आपको पता है कि आपको कहां आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव।